हाँ तो भाई लोग यार कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे। आप लोग की लाइफ नंबर उनकी चल रही होगी। तो देखो इस वीडियो में बात करने वाले एक नए ट्रेलर के बारे में जो यार फाइनली रिलीज हो गया सैंडलवुड की तरफ से। जी हम बात करने वाले हैं विक्रांत रोना के ट्रेलर के बारे में जो फाइनली आउट हो गया है, और इसी का करेंगे रिएक्शन। देखेंगे क्या देखेंगे मिला इसमें, क्या अच्छा था क्या बुरा था, इन सब बातों को बताएंगे डिटेल में। पर हाँ इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दें तो इसमें देखने मिलने वाले हैं बादशाह किच्चा सुदीप, साथ में जैकलीन और इनसे लग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर सैंडलवुड सिनेमा प्लस इंडियन सिनेमा की तरफ से। फिर बात की जाती है कि ट्रेलर कैसा लगा, कितना पसंद आया, कितना मजा आया। तो पहले बात इसकी पूरे ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग लाजवाब है, और पूरे ट्रेलर की हाईलाइट जो लगी वो मुझे वही लगी है जिस तरीके से लाइटिंग का यूज किया गया कई सारे सीन में, और जो डार्क भी लग रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं, और वहाँ पे जो लाइट है सिनेमेटोग्राफी है उन सभी सीनों का वो मतलब कमाल के हैं, बहुत ज़्यादा लाजवाब रहेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे वही लगा। उसके बाद इसका BGM मतलब A1 क्वालिटी का, और यही है कि इसमें जो जो एक तरीके से रीजनल इंडस्ट्री है जैसे कि सैंडलवुड हो गई या फिर तेलुगु सिनेमा हो गया या फिर तमिल हो गया, ये लोग यार अपने BGM पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सीन के हिसाब से BGM होता है, लाउड होना तो लाउड होगा, नॉर्मल होना नॉर्मल होगा, और वही चीज आपको यहाँ पे पूरे ट्रेलर में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जो एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगी और कनेक्ट करेगी पूरे ट्रेलर से। और काफी बार आप उसको सुनना चाहोगे, रिंगटोन लाओगे, और काफी बार सुनोगे भी उसी BGM के वजह से। फिर अब बात आती है मेन ट्रेलर के बारे में, तो काफी सारे सीन के बारे में जैसे मैंने पहले ही बोला कि हाँ काफी सारे सीनों में सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है, और वो सीन भी बहुत ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। काफी सारे जो एक्शन सीन देखने को मिलते हैं पूरी तरीके से पूरे ट्रेलर में वो लाजवाब है और बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और यही होना भी चाहिए था। देखो जितना उम्मीद हम इस मूवी से लगा के बैठे हैं उस चीज को अगर डिलीवर करती है और जिस हिसाब से रिलीज हो रही है, सच में यार बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ेगी और बवाल मचाएगी, और बहुत लोगों का ओपिनियन है कि हाँ ये मूवी बवाल मचाने वाली है, लगभग सभी का मानना भी है। पर मे भी शायद यार खजाने के अराउंड में पूरी स्टोरी फोकस करने वाली है, और जिस तरीके की स्टोरी हमें यार पैरेट्स ऑफ कैरेबियन में देखने को मिली थी इस टाइप की स्टोरी यहाँ भी शायद देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो आके विजुअल्स हैं पूरे सीन है, और उसमें विक्रांत रोना मतलब यार किच्चा सुदीप का लुक वो बवाल लगेगा, बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और वो उतने ही यार बवाल लग भी रहे हैं जो सारे सीन में उनको जिस तरीके से दिखाया गया है, जितने यार एक तरीके से डार्क सीन के साथ में वो चीजें आपको अच्छी लगेगी और मजा आएगा उन सबको देख के। फिलहाल ट्रेलर को देख के तो लग रहा है कि हाँ एक्शन अच्छे देखने को मिलेंगे, और बाकी सब चीज भी यार अच्छी है, फिलहाल ट्रेलर में इंटरेस्टिंग है और अट्रैक्ट करेगी ऑडियंस को। बाकी यार सलमान फिल्म्स इसको प्रोड्यूस कर रही है हिंदी में, तो उम्मीद है कि यार अच्छी स्क्रीन भी मिलेंगी इसको हिंदी वेट में। अब बाकी देखते हैं ऑल टाइम में क्या होता है। फिलहाल ट्रेलर अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, काफी सारे सीन आपके इंटरेस्ट बनवाएंगे और मूवी की तरफ खींचेंगे, और आप देखने भी जाओगे, और जितना उम्मीद है उस हिसाब से ट्रेलर अच्छा निकाला इन्होंने, अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को और अच्छे तरीके से करेगा, विजुअल्स वाइज भी, BGM वाइज भी और स्टोरी वाइज भी। ज्यादा उसको रिवील नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट किया गया पूरे ट्रेलर को, जो यार एक प्लस पॉइंट बनता है पूरे ट्रेलर के लिए। मजा आएगा देख के, एंटरटेन होने वाले हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अगर देख लिया हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा था, कितना पसंद आया था, कितना मजा आया था देख के इन सब बातों के बारे में। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।